बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आज भी एक अच्छा सा क्वेश्चन पर नोट करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और आज भी एक नया चीज सीखेंगे हम लोग, ताकि आपको अच्छा लगेगा। सब बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। आकाश लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच at the premium of 10%. Calls are made as follow: 2 rupees application, 4 rupees allotment including premium, and 3 rupees first call, and the balance on final call. Applications were received for 60,000 shares. Issue कितना किया गया था बेटा? 10,000. We have Kakasi Limited issued 10,000 shares, but while the application were received for 60,000 shares, it means it's a excess share, beta, or under subscription. What is this? Excess, over subscribed हुआ, ठीक है? कितने over subscribed हुआ? अलीसा आवाज आ रही है? अलीसा आवाज आ रही है? चलिए मन आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना, अब आप लिखिए 60 का भी लगेगा। रुक जाओ, लिख कर दिया सर। क्वेश्चन तो समझ में आपको आ ही रहा होगा। So, allotment were made as follow. Three categories there, A, B, and C. Applied and allotted. A applied rupees 5,000 shares. 5,000 वालों को full दिया गया, 40,000 वालों को 5,000 share दिए गए, और 15,000 वालों को nil कुछ दे दिया गया। अब आपको निकालना होगा, अलग से बनाना होगा, चेक करना होगा कि आपका हो पा रहा है, कितना एडजस्ट मिल जाएगा, कितना रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, आप करेंगे। और हमको लग रहा है कि 40,000 शेयर वालों को सिर्फ 5,000 शेयर दिए गए हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा शेयर एक्सेस हो गया। 35,000 शेयर क्या हो गए? एक्सेस हो चुके हैं। इट मीन्स वॉट? इसका मतलब पैसा अलॉटमेंट के साथ 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 कॉल तक भी जा सकता है, क्योंकि शेयर ज्यादा हो रहा है। तो फाइनल कॉल तो चेक कर लेंगे, अगर जाना हो जाएगा तो हम लोग टेबल भी बनाएंगे। यस सर, बोलिए सर। ठीक है सर, तो इसके बाद क्या था? ऑल द मनी ड्यू रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स बिलोंगिंग कैटेगरी ए, belonging in category A, ठीक है ना, failed to pay allotment and call money and his shares were forfeited after final call and issue किया गया है 300 share for rupees 9 is fully paid up, 9 is fully paid up, pass journal entry। अच्छा बच्चा, ये कहा है category A, जो agent हुआ था वो कहा है category A। अब तुम बताओ, अगर category A कह रहा है तो क्या यहाँ पर product adjustment वाला actual arrear निकालना है या नहीं निकालना है? अलीसा बताओ, नंदनी, जो 500 शेयर जो क्या किया जा रहा है, एरियर हुआ है, वो एरियर का है कैटेगरी ए में है, कैटेगरी ए में है बेटा, तो क्या हमको यहाँ पर एक्चुअल एरियर निकालना पड़ेगा या खाली एरियर से काम चल जाएगा?
निकालते ना एरियर में से एडवांस भी लेस करते थे एक्सेसरी वाला, तो आता है एक्चुअल एरियर, तो यहाँ पर एक्चुअल निकालना पड़ेगा या कुछ सिर्फ एरियर काम चलेगा? सिर्फ एरिया करना होगा बेटा, यहाँ पर एक्चुअल पंकज नहीं करना होगा, क्योंकि जब एडजस्ट करते हैं एक पैसा एडवांस एडजस्ट होता है, और जिस कॉल पर एडजस्ट हो रहा है चाहे अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, उसी कॉल पर एरियर भी हो जाए तब निकालना पड़ता है एक्चुअल एरिया एडवांस कराने के बाद, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गया है उसको फुल दिया है, यहाँ कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट एक्सेस ना हो तो उसके लिए एक्चुअल एडवांस निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन क्या हो गया है, बहुत सिंपल बन गया है, ठीक है। लेकिन सर सर ये क्वेश्चन हम लोग कैटेगरी ए मान के भी लगाएंगे, और जब हम लोग लगा लेंगे ना तो एक बार हम लोग कैटेगरी बी मान के भी इसको लगाएंगे, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम मेरा जिद कर रहे हो, दोनों लगवा लेंगे हम आपसे। ये वाला हम लगाते हैं, बी वाला तुम लगा लेना। हाँ सर, क्यों प्रज्ञा क्यों आ जाती, क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया बचाया अभी। आ रही थी, क्वेश्चन नोट हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इतना जल्दी नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट जो जो भी लेता है वो अपने कॉपी में भी लिख लेगा, चाहे जैसे भी समय निकाल के, बाद में हम ये नहीं सुनेंगे कि सर स्क्रीनशॉट लिए थे भूल गए लिखना, ये टाइम मिल पाया, आप जरूर लिख लेके लिख रहे हैं, अदरवाइज वो सब शॉर्ट हो जाएगा, तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसके बाद स्क्रीनशॉट आपका। अगर सब बच्चे क्वेश्चन नोट कर लें तो हम उसको करवा भी दें आपको, थोड़ा समय बचेगा हमारे पास। क्वेश्चन नोट कर लिए पूरा, कहाँ तक पहुंचे? क्योंकि हम लिख रहे थे डेली, पर टाइम मेरा एक्स्ट्रा जा रहा था, क्वेश्चन समय कम पड़ जा रहा था, तो आधा काम हम पहले से करके बैठे हैं ताकि टाइम बचे आपका हमारा, जल्दी काम हो जाए। यानी सोचो बेटा, हम डबल मेहनत किए हैं, पहले भी मेहनत कर लिए और आपके साथ ही मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग एक बार मेहनत ही करेंगे, कुछ कुछ के पाउडर बना देंगे आप लोग का। सब बच्चों को सुन हो गया, अलीसा हो गया, दननी हो गया, सर स्क्रीनशॉट ले लिए करिए, ठीक है। तो जो कैटेगरी ए मान से लगाएंगे हम लोग, जो क्वेश्चन इजी रहेगा हमारा, तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग को दो बार लगाना है, एक बार कैटेगरी ए मान के लगाना है और इसी को एक बार कैटेगरी बी मान के भी लगाना है, क्योंकि हमसे शायद लास्ट क्लास में कोई पूछ नहीं कहता रहा सर दोनों में अंतर क्या होगा, हमने कहा वेट करो अभी आगे बढ़ेंगे तो अंतर बता भी देंगे आप। चलो आज वो समय आ गया सर, इसका मतलब आप एंट्री करके रखे हुए हैं? हाँ बेटा, अपने बोर्ड पर हम एंट्री करके रखे हैं पहले से, ठीक है। हाँ, अपने बोर्ड पर एंट्री करके रखे हुए हैं ताकि समय बचे हमारा, आपको समझा सके, कोई दिक्कत ना हो। तो आप एंट्री कीजिए और फिर हम मिला भी दें आपको, बता भी दें फटाफट, कोई दिक्कत ना आ जाए आप लोगों को। तो सर पहली एंट्री क्या होगी, देखो पूरी एंट्री एक साथ एग्जाम आपके सामने दिख रहा है आपको। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट से एप्लीकेशन, कितना फॉर्म आया था हमारे पास, 60,000 आया था, तो 60,000 इंटू टू पूरा फॉर्म से। जिस बच्चे को भी कोई भी दिक्कत जहां भी आएगी हमको बता देगा, क्योंकि हम काम करके रखे हुए हैं आपके सामने पहले से, टाइम बचे हमारा और आपका भी बचे, समझ में भी आ जिसका सम कर ले, आगे बैठे करते ही करते हैं, और पूरा हम लिखते भी रहते हैं डेली, तो फिर टाइम ज्यादा जाता है, तो हम वो तो सिखा दिए हैं आपको, आपको रिसर्च करना है, प्रैक्टिस कराना है आपको हमें। तो टाइम में दो क्वेश्चन लगा लेंगे हम लोग, शेयर अकाउंट डेबिट कर लिया टू शेयर कैपिटल, कितना इशू किए थे, इशू कितना है बेटा 10,000 टू 20,000, टू शेयर अलॉटमेंट कितना था, टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा जो हम यहाँ पर एडजस्ट किए होंगे, और टू पास एडवांस और टू बैंक, ये तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो कैसे निकलेगा, क्या इसका आप लोग टेबल बनाना चाहेंगे या बिना टेबल काम करेंगे, बोलो शिवांगी क्या चाहती हो? सर एक बार चेक करते हैं, अगर हो जाए तो टेबल बनाना से जान बचेगी हमारी, नहीं हो पाएगा तो आगे बढ़ेंगे। तुम चेक करो एक्सेस शेयर कितना था भैया, 35,000, एक्सेस अमाउंट एडवांस अमाउंट कितना हो जाएगा इंटू टू, कितना हो गया 70,000 रुपया हो गया।
अब ऐसे ओनली चेक करो अलॉटमेंट में कितना ड्यू करना था, अलॉटमेंट कितने से था, 4 रुपए था प्रीमियम के साथ, तो अलॉटमेंट जब इंटू कराओगे 10 × 4 कितना हुआ 40,000, तो 40 ही ड्यू करना है हम लोगों के अलॉटमेंट पर, ठीक है ना। इस कैटेगरी में हम बात करना सिर्फ इस कैटेगरी वाले की, बुरा बात करोगी एडजस्ट हुआ सिर्फ कैटेगरी वाले की, कैटेगरी बात करोगी तो कैटेगरी में सिर्फ 5,000 दिया गया था, तो फिर 5,000 चेक करो बेटा ना, तो 5×4 तुम लोग टेबल बनाने लायक ही हो, ऐसा तुम लोग काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें बनवाएंगे तुम सभी, 5,000 × 4 कितना हो गया 20,000 हो गया, तो 20,000 ये हो गया आपका, ठीक है ना। आओ हम टेबल बनाए तुम लोग ना लायक हो, तुम लोग ऐसे नहीं काम करोगे, तुम लोग हम चिल्ला भी लेंगे या तुम लोग कर भी नहीं पाओगे। चलो हम तुम्हारे सामने हम बना देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले तो आप हमको उसका कैटेगरी जो है फिर से बनवा लीजिए, यहाँ पर एक बार पूरा काम करते हैं आपके सामने, क्योंकि आप लोग तो नालायक हैं, हम ही करवाते हैं आप लोग। तो आ जाओ बच्चा, पहले हम बना लें सर की कैटेगरी। टेल मी उसकी थी हमारी कैटेगरी, पहले बना बनेगा कॉलम, फिर अप्लाइड और फिर अलॉटेड। इसका था ए बी सी, एकदम मेरे तरफ ध्यान कंसल्ट करिए, रोज करते हैं। कितना अप्लाई हुआ था भैया इनका, 5,000 से इनका पहले ए बार था, और कितना दिए उसको पूरा पूरा 5,000 सेल्स की बारे में बात हो रही है। तत्पश्चात कैटेगरी बी आती है, और बी क्या कहती है सर, बी में 40,000 सेल्स क्या हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है और 5,000 दिए, इसको दिया कितना गया है 5,000 सेल्स किए गए हैं। सी वाले में और उसको क्या हो गया है, नील कर दिया है, तो टोटल चेक कर लो एक बार, ये कितना हो गया 60,000 अप्लाइड था और 10,000 मेरा अलॉटेड इशू मेरा आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं एडजस्टमेंट होना नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। कितना अमाउंट एडजस्टमेंट होगा, यहाँ क्या होगा सर, ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो एक्सेस से मेरा कितना आ गया था 35, यहाँ निकालो एक्सेस शेयर इक्वल टू 40,000 मांगा था कैटेगरी बी वाला, उसको हमने दिया है 5,000, तो कितना हो गया 35,000, ठीक है। और उसका एक्सेस अमाउंट कितना इसका हो जाएगा, फिर इसका मतलब 35,000 × 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये शेयर्स थे और ये क्या हो गए रुपीस में आ गए, 7,000 रुपीस मेरा आ गया, एडवांस अमाउंट आ गया है। अब हमें एडजस्ट करना होगा, तुम चेक करो, जब एडजस्ट करना होगा हम लोगों को तो अलॉटमेंट पर कितना मांगा होगा हम लोगों ने, तुम चेक करो इस आदमी से, अगर अलॉटमेंट की बात किया जाए तुम लोग कोशिश करो एक बार, दे रहे हैं तुम लोगों को, तुमको एडजस्ट करवाओ, देखो कहाँ तक जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, बिना टेबल काम करना है तो फिर क्या फाइनल कॉल के बाद ही बच रहा है कि वो पूरा खत्म हो जा रहा है, फर्स्ट से बताइए, हम भी निकालने जा रहे हैं, एक मिनट मौका दिया हमने, पंकज भैया आप बताइए कहाँ ले जा पाएगा, फाइनल कॉल के बाद भी बचेगा। अच्छा, इसका हम टेबल बना सकते थे और चाहे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखो इसको अगर ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर अगर हम तो हमारा देखो शॉर्ट तरीका एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट
ये शॉर्ट का बना रहे हैं बिना टेबल वाला काम, जल्दी वाला अमाउंट, ठीक है, जो कितना आया था हमारे पास 70 आया था। तो लिखिए यहाँ पर टोटल एक्सेस अमाउंट कितना हम लोग निकाले थे अभी 70,000, इसमें से निकालिए लेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो सकता है भैया, क्योंकि 5,000 ये वाला सेयर कैटेगरी वाला है, तो 5,000 वाले की हम बात करें, बुरी बात करना नहीं हम लोगों को, इंटू 4 मांगना है अलॉटमेंट पर उस आदमी का, जिस आदमी का जमा है उसी ने एडजस्ट करेंगे, किसी और से करेंगे नहीं। तो कितना पैसा हो गया, यानी उसका 70,000 एडवांस मनी था, उसका 20,000 रुपए कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पर। निधि हो, समझ में आ रहा है, अभी भी क्या है 50,000 उसका एडवांस अभी भी बच रहा है, फिर कहाँ करेंगे लेस करिए उसमें से एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट विद एडजस्टेड विद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने से था 5,000 to 3 लग गया हो 15,000 रुपया, समझ में आ रहा है बेटा, 3,000 हो गया, अभी भी क्या हो रहा है पैसा बच रहा है इनका, फिर क्या करें अब एडजस्टेड विथ कितना हो जाएगा, कितना अमाउंट है इसका 5,000 to 2, 10,000, यानी कि फाइनल कॉल के एडजस्टमेंट के बाद भी क्या बच रहा है 25,000 अभी भी बच रहा है। तो ये 25,000 रुपए क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसको रिफंड करेंगे, कहाँ से रिफंड होगा, ये बैंक से रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड अभी होगा या फाइनल कॉल के बाद, रिफंड अभी होगा या फाइनल कॉल के बाद, अभी होगा। तो आप लोग टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो खाली कैटेगरी बी वाले का अलग काम कर लीजिए, समझ में आ गया, टाइम बचा। फिर उसके बाद फिर हम बनाएंगे, फिर देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट, यार एक मिनट, टोटल ऐसे लिख दिए, टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सेस अमाउंट रिफंड, एक बार एडजस्टमेंट का अलग से बना लिया, एक बार रिफंड का बना लें। तो रिफंड वाले में जिसको नील दिया गया था, नील था कितने नील के दिए थे 15,000, तो जो नील वाली कैटेगरी थी वो कितना शेयर था 15,000 इंटू कितना अमाउंट आया एप्लीकेशन अमाउंट 2 रुपीज से, कितना हो गया 30,000, ये भी रिफंड करना पड़ेगा। और जिसका था कैटेगरी बी वाले का एक्सेस अमाउंट रिफंड था, ठीक है ना, यानी कि बोलेंगे इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एक्सेस, एक्सेस में भी एक्स्ट्रा एक्सेस, क्या बात है, कितना अमाउंट अभी आज निकाले थे हम लोग 25,000, तो कुल मिला के भी रिफंड करना है, तो 55,000 क्या कर सकते हैं। टेबल आप बचा रहे समय, अगर आप चाहते हैं टेबल समय बच जाए तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं हम लोग, वरना वहां ऐसे टेबल में आया था हमारा, शॉर्टकट हो गया आपका। तो अब यहाँ आप जब आ जाइए, इतनी बात सब बच्चों ने नोट बना लिया, तीनों नोट बना लिया, बोलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना, बनाओ यस सर, यही बन गया, और अलीशा यही बन गया बेटा, सब नोट बना लिया आपने। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन चले हम लोग, अब वापस एंट्री पे आ जाएं, रिफंड में कितना गया हम लोग का सर 55, और इसमें कितना आया 25, क्लियर है इतनी बात। अच्छा अब जो पैसा, सुनो मेरी बात ध्यान दो, जो पैसा तुमने कॉल पर एडजस्ट किया है, कितना पैसा तुमने कॉल पर एडजस्ट किया है, क्या क्या अमाउंट तुमने एडजस्ट किया कॉल पर, ये तुमने कॉल पर एडजस्ट किया ये 15,000 और ये 10,000, इसका मतलब इन दोनों अमाउंट मिला दिया तो कितना हो जाएगा 25,000 एडजस्ट हुआ था। तो इन दोनों को क्या मानेंगे हम लोग, कॉल्स इन एडवांस कितना मानेंगे हम लोग 25,000, यानी कि एडवांस में दो अमाउंट जो एडजस्ट हुआ है कॉल वाला उसको एडवांस माना जाता है, अब वो एडवांस में जाएगा, एनी प्रॉब्लम। जो पैसा कॉल पे एडजस्ट हुआ है, जो अलॉटमेंट हुआ है अलॉटमेंट नाम से जाएगा, और जो पैसा कॉल पे एडजस्ट हुआ है दोनों, ये दोनों पैसा किस नाम से जाएगा, एडवांस नाम से जाएगा, और ये पैसा किस नाम से जाएगा, अलॉटमेंट के नाम से ही जाएगा, ठीक है। तो सब बच्चों ने बना दिया, अब क्वेश्चन की ओर चले। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है, यस सर Yes, sir. इतना सब बच्चों, इतनी बात सब बच्चों समझ में आ गई, तो आपके सामने कर लिया,
आपकी वर्किंग और आसान कर दिया हमने, इजीली समझ में आने लगा होगा आपको। अब चलिए वापस क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, हटा रहे हैं इसको, हम हटा देना दोबारा नहीं पाएगा, हटा दें मिट जाएगा, हटा दें। चलिए तो वापस से हम लोग चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर, तो उसमें क्या करना होगा हम लोगों को? नो प्रॉब्लम बेटा, हमने सारी वर्किंग कर लिया, काम करना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हम लोगों का। आओ क्वेश्चन दिखने लगा आप लोग को, डेबिट किया हमने 1,20,000 शेयर कैपिटल इशू अमाउंट से, अलॉटमेंट पर कितना चेंज किया था हम लोगों ने? 20,000 कैसे? 524 वहाँ 20,000 था ना, तो 20,000 अलॉटमेंट एडजस्ट कर लिया हमने, इसके वर्किंग निकाल लिया हम लोगों ने, और कॉस्ट एडवांस में 25,000 वहाँ निकाला, अभी 15,000 और 10,000 25 यहाँ बदल लिया। तो सारे अमाउंट कहाँ से आए, कैसे कैसे आए, सबका डिटेल वर्किंग हमने बना दिया है, आपको नोट भी करा दिया है, किसी को उम्मीद कोई दिक्कत नहीं होगी है तो बता दो एक बार। यानी कि कैपिटल का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का भी आ गया, कॉस्ट एडवांस का भी आ गया, और रिफंड में 55,000 कहाँ से आया ये भी आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। एक एक बात क्लियर हो गया आप लोगों को, एक एक नोट साथ में बना हुआ है, 55 कहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक सेकेंड तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोले, सेकेंड तक कोई बच्चों किसी बच्चों को दिक्कत है तो बोलो, बोलो बेटा। नो सर, नो सर। सबको मौका दे रहे हैं, सब लोग बात मिला लीजिए, और सेकेंड में कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे आप पूछ लीजिए। हम रुके हैं आपके लिए, बाद में आप बोलेंगे 55 कहाँ, बैंक में कैसे पैसे रिफंड में बढ़ कैसे गया, कहाँ से आ गया, एडवांस कहाँ से आ गया, आगे जाके तो दिक्कत होगी, डिटेल हमने बना दिया। अब आइए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सारे एंट्री किससे होगी? इशूर से। इशूर कितना था हम लोग का? हाँ हाँ, मंडे मिलते हैं, हेलो मंडे डायरेक्ट कुछ नहीं हमें तो इसका मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट डेबिट किया शेयर कैपिटल टू सेकंड प्रीमियम 40,000, 30,000 और 10,000 आ गया, क्योंकि प्रीमियम 10% था हमारा, प्रीमियम कितना रहा? 1 रुपीस था, अलॉटमेंट 3 रुपीस था, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव करो बैंक अकाउंट डेबिट, सर यहाँ पे एरियर भी हुआ था, मैंने आपसे बताया था कि एरियर में आप कॉस्ट या डेबिट कर भी सकते हैं या डायरेक्टली अमाउंट भी लेस कर सकते हैं, तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट, आप चाहें आप इंटर कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट या अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, आप ये करिए, या आप चाहें तो बिना एरियर के डेबिट किए भी आप काम कर सकते हो, एडवांस दिखाना ही पड़ता है, एरियर दिखाओ और चाहे अमाउंट लेस कर दो, एक ही बात है, अमाउंट लेस किए हैं एरियर भी लिखते हैं, आपकी मुझे मर्जी कर लीजिए। तो एरियर में कितना पैसा आएगा? कैटेगरी ए बिलोंग करता रहा, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, नॉर्मली एरियर निकालना है हम लोगों को, कैटेगरी बी बिलोंग करता तब निकालते एक्चुअल एरियर, और कुल लंबा चौड़ा काम करते हैं हम लोग, जो कि अभी आपसे हम करवाएंगे, जस्ट अभी आपसे हम करवाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं आज हम, चाहे जो हो जाए खूब पीटेंगे आपको, हाँ जो कल भी हमने करवाया था आपसे अभी करेंगे आपसे हम आगे। तो रिसीव करना है, उसके बाद कितना शेयर था? 500 शेयर था, 4 रुपये नहीं दिया उसने, 2,000 नहीं दिया, 18 मिल गया। अब आइए फर्स्ट कल ड्यू करा दें, इन 3 रुपए से 30 का ड्यू कर लिया, फर्स्ट कल रिसीव करवाओ भैया, वो फिर नहीं देगा, 5 × 3 कितना नहीं देगा वो, हाँ। और यहाँ कुछ एडवांस भी था क्या? एडवांस भी था क्वेश्चन में ऊपर वाला, जो भी 15,000 एडवांस, 15 और 10 दो एडवांस था ना, जो ऊपर लिखे रहे, तो यहाँ डेबिट करना पड़ेगा फर्स्ट कॉल पा करके, तो फर्स्ट कॉल एडवांस डेबिट किया 15 वाला, और उसके बाद वो जो देगा भी नहीं हमको, कौन नहीं देगा? तो आप यहाँ आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट ईयर फर्स्ट कॉल। हमने क्या कर लिया है? एरियर को डेबिट नहीं किया है, डायरेक्ट अमाउंट लेस किया, आप डेबिट कर लीजिए, या ऐसे भी आप कर सकते हैं, बार बार बता रहे हैं। एरिया वाले अमाउंट में पंकज को दिक्कत तो नहीं ना है बेटा? एरिया लिखो या अमाउंट लेस, बातें कही है, तो आप यहाँ लिखेंगे तो 3 रुपए था, तो 1,500 फिर नहीं देगा वो, 28,500 बचा, और उसमें 15,000 पहले मिल चुका है,
तो तेरा 500 आ गया। आप चाहें तो फर्स्ट कॉल में 30,000 लिखिएगा और कॉल से एरिया डेबिट करेगा 1500 वहां और भी लिख सकते हैं आप, तभी आपका भी आ जाएगा 13,500। फिर आप सेकंड फाइनल कॉल ड्यू करिए, सेकंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया आपका 2 रुपए था 20,000 रुपया हो गया, रिसीव करेंगे फिर यहाँ एडवांस भैया क्या हो जाएगा वो नहीं मिलेगा, और वो जो 500 से 2,000 वो नहीं देगा तो 9,000 19,000 यहाँ कितना आ गया 19,000 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1,000 एरियर कर दिया और 10,000 एडवांस था तो 1,000 पे एरियर नहीं मिला 19 पर आ गए और 10 एडवांस नहीं मिला तो 9 पर आ गए। ये डेबिट कर सकते हो 1,000 रुपये से यहाँ पर और वहाँ पे 20 लिखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो ये मेरा फाइनल कॉल था, एंट्री पास कर लिया हमने, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलो रुके हैं, नोट कर लीजिए, आज हो जाएगा, बस लास्ट करिए। बोल के फंस गया, चाहे बोले हम सेकंड कॉल रिसीव तो सब बच्चों का हो गया तो बता दीजिए एक बार। बोलो भैया हो गया? देखो आप लोग हमसे अगर बात नहीं करते रहोगे ना तो अकेले हम कितना चिल्लाएंगे, तो मेरे साथ बात करते रहिए बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसको फॉरफिट करना था हम लोगों को, अब एंट्री पास करेंगे हम लोग सर सिर्फ फॉरफिटर वाली। तो आपके सामने आप दिख रहा है आपको शेयर फॉरफिटर का एंट्री, देखिए एंट्री पास होगी सेकंड अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला है तो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया टू शेयर फॉरफिटर, उसके बाद 500 शेयर थे इनटू फाइनल कॉल तक हो चुका है इनटू 10 फेस वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू 5,000, प्रीमियम 1,500, अलॉटमेंट में 2,000 नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पर 15,000 एरियर था और फाइनल कॉल पर 1,000 एरियर था, डेबिट क्रेडिट कर लिया और बैलेंस ही निकाला कितना आया 1,000 आया। और सर हम लोग सारे क्वेश्चनों में ये फॉरफिटर का जो बैलेंसिंग है उसको हम लोग चेक भी करते हैं कि हम लोग का जो बैलेंसिंग आई 1,000 रुपये क्या वही पेड अमाउंट है, चेक कर लो उसके पास 500 शेयर था अलॉट किया गया था और सिप दिया उसने अप्लीकेशन 2 रुपये के हिसाब से तो 500 × 2,000 रुपये आते हैं, वही दो बैलेंसिंग आ रही है हमारी, तो बैलेंसिंग अमाउंट जो फॉरफिटर जाता है वो पेड का होता है, हम बार बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ सर अब आइए इसको रीइशू कर लेते हैं, रीइशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है क्योंकि 9 रन किया गया था 300 से किया गया था तो उसे कैपिटल 3,000 डाल दिया हमने और 1 डिस्काउंट था 300 चला गया फॉरफिटर में 2,700 वहां आ गया। अब नीचे बात करना है ट्रांसफर करना हम लोग कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ भाई 1,500 में से 300 इशू कर दिए 200 बचा है, इशू पार्ट और नॉट इशू पार्ट दोनों में सामने है यहाँ पर, तो हमें नॉट से मतलब नहीं रहेगा 300 से मतलब रहेगा, तुम चेक करो पर शेयर कितना प्रॉफिट किया गया था 2 रुपए 500 × 2 कितना प्रॉफिट किया 1,000 रुपए 500 से 1,000 प्रॉफिट किया हो 2 रुपए हिसाब से प्रॉफिट किया है यानी पर शेयर 2 रुपए प्रॉफिट किया हो, तो रीइशू करते वक्त देखो कितना शेयर इशू करने 300 शेयर तो 300 शेयर × 2 600 रुपए आ गया, तो जितना शेयर रीइशू कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग पर शेयर निकाल इंटू कर लिया उससे रिगार्डिंग कितना हमने प्रॉफिट किया होगा 600 रुपए, अब 600 यूज कितना कर लिए हैं डिस्काउंट डेबिट कितना हुआ 300 तो 6 में 300 चला गया कितना बचा 300 चला गया प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में। ये भी शॉर्टकट तो बता दिया हमने, शॉर्टकट तरीका किस तरह सोचने का, पर शेयर निकाल लो प्रॉफिट अमाउंट, फिर सुन लो जो आप शेयर प्रॉफिट किए हैं जितना शेयर प्रॉफिट किए हैं अमाउंट निकाल लीजिए पर शेयर प्रॉफिटर, ठीक है ना 1,000 प्रॉफिट किया है हमने, फिर सुनो सब बच्चों शॉर्टकट 1,000 प्रॉफिट किया है 500 शेयर के लिए तो पर शेयर कितना आया 2 रुपये आया, 2 रुपये पर शेयर प्रॉफिट किया है तो रीइशू कितना शेयर किया हमने 300 शेयर तो 300 शेयर के लिए 2 रुपये से इंटू करो 600 रुपये आता है, जितना शेयर रीइशू किए हैं उससे रिगार्डिंग प्रॉफिट निकाल लो 600 रुपये आता है, अब उसी में से एडजस्ट कर लो जो लेस किया हो डिस्काउंट कितना किया हो 300 रुपये उसे 600 था 600 में 300 लेस कर दो कितना आ गया 300 बचा वही क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, और जो अभी 200 शेयर बचा है इंटू 2 400 रुपये बचा होगा अभी ना वो उससे मतलब नहीं आएगा हमको,
क्लियर हो गया बात। तो कैटल जब एंट्री पास कर दिया हमने, यहाँ तो लिखा भी है 1000 से किए थे, यहाँ 600 आया, 300 जो किए 600 आ गया, और 300 डिस्काउंट भी डाल दिया, इशू कर लिया, तो ट्रांसफर रिजर्व कितना 300 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो लगा करके मामला। क्लियर हो गया? तो सारा क्वेश्चन अब सब बच्चों सामने क्लियर एक साथ हो गया, सामने आ गया। एक बार फिर से पूरा एक क्वेश्चन एक साथ एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं एक साथ, एक बार में आके आपके सामने दिख रहा है आपको, ले लीजिए तो हम आगे बढ़ जाए। सब्जेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत? देखना पड़ेगा, भूल गया देखना। चलो मैसेज कर देंगे सब, मेरा टैली फूड है हमारे। उम्मीद है सब बच्चों का हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। हटा सकते हैं हम, हटा दें? बोलो बच्चों हटा दें। यस सर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हमने कहा है ना कैटेगरी बी मान के भी आपसे लगवाएंगे और अभी लगवाएंगे। इसी क्वेश्चन को कॉल एरियर होगा ही नहीं। क्या होगा उसमें? कॉल सिन एरियर तो होगा ही नहीं। क्यों प्रज्ञा यार बताओ हमको तो जरा, क्यों नहीं होगा? सर सारा सर उसका एडवांस ही इतना जमा है कि वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। इतना पैसा उसका एडवांस जमा था कि फाइनल कॉल तक उसका एरिया कैटेगरी बी में हो ही नहीं सकता। मेरा समझे? यही चीज तुम लोग को बताना चाह रहे थे कि आप लोग जब काम करना शुरू करते, एंट्री पास करते, बीच में आपका फंसता, तब आपको समझ में आता अरे सर यहाँ ये हो ही रहा है। लेकिन ये बात प्रज्ञा पहले ही समझ गई, ठीक है ना? तो वेरी गुड प्रज्ञा, आपका अच्छा दिमाग दिमाग था। यही करेगा ये क्वेश्चन बी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि बी में एक्चुअल क्या एरियर भी नहीं होगा। इतना एडवांस पैसा है उसका, फाइनल कॉल तक खत्म हो गया, एरियर कहाँ बनेगा? उसका अभी निकल ही रहा है एडवांस में, जो कि रिफंड कर रहे हैं हम लोग, तो एरियर कहाँ से हो पाएगा? हम कह देते हैं कि बिलोंगिंग भी है, नहीं दिया है, ऐसा संभव ही नहीं है, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस हो गया है। ये बात प्रज्ञा समझ गई। इसका मतलब सर हम लोग तो बच गए, बीघा नहीं लगाना पड़ा, वरना अभी बीघा लगाना पड़ता, बहुत काम करना पड़ता हम लोगों को। प्रज्ञा जी बचा ली, तो प्रज्ञा को धन्यवाद दो, सब लोग मिलकर थैंक यू बोलो, क्योंकि क्योंकि बाकी लोग जो है ये बात नहीं समझ पाए थे। क्यों नंदिनी जी, आदित्य जी, प्रज्ञा जी धन्यवाद बोलिए, थैंक यू कि आप लोग समय बचा दी। यही हम बचा सोच रहे आपको पूरा करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे। और जो लेट से आया है एक बार फिर से क्वेश्चन चाहे तो क्वेश्चन स्क्रीन शॉट दे सकता है, दोबारा हम शो कर देते हैं। हो गया सबका? बोलिए हो गया? अगर जिसका क्वेश्चन ना लिखा हो कुछ ने अभी, जो लेट से आया हो वो क्वेश्चन एक बार फिर हम आपके सामने पूरा डिस्प्ले कर देते हैं, तो इससे नहीं हो पाएगा थोड़ा। आप इतने में आपको कर पाएंगे? आप देखिए इससे छोड़ा नहीं हो पा रहा है, देखो इसका लास्ट में छोड़ा था। दो बार ले लो, एक बार इतना ले लो स्क्रीन शॉट जो लेट में आया है, एक बार नीचे ले लेना। यस सर हो गया। चलिए तो इसको हम बता रहे हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, आई थिंक सो ऐसा हमको लगता है, ठीक है? तो चलिए